दोस्तों, आज के आधुनिक टाइम में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। हर देश टेक्नोलॉजी में अपने आप को सबसे आगे रखना चाहता है, चाहे टेक्नोलॉजी किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे वो मोबाइल की हो या फिर जंग का मैदान हो। जंग के मैदान में यूज किए जाने वाले आधुनिक उपकरण, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपकरण दिखाने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को और भी आसान बना देंगे। भारत में देश की सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल का आविष्कार किया गया है। वहीं अमेरिका ने हूबहू इंसान जैसा रोबोट बनाया है। लेकिन इन सभी को पीछे छोड़ते हुए जापान एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी में सब देशों में आगे है। जापान के लोग हर छोटी से छोटी चीज को भी टेक्नोलॉजी के सहारे आसान बनाने में लगे रहते हैं। सोने से लेकर जागने तक, खाना खाने से लेकर पोटी करने तक, हर चीज में जापान टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। हम आपके लिए इस वीडियो में जापान के सबसे अनोखे आविष्कार लेकर आए हैं, जापानी वेंडिंग मशीन। इस मशीन में आप पैसे डालिए और आपको हर एक चीज मिल जाएगी। ये देखने में एटीएम जैसी होती है। हमारे यहाँ पर एयरपोर्ट्स और मेट्रो सिटी में ये मशीन पाई जाती है, लेकिन वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ही निकालती है। जापान की मशीनों में अंडे, जूते और कपड़ों तक आप इस मशीन से खरीद सकते हैं। ये सभी जो हमारी रेगुलर लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं, उनको खरीदना आसान बना देती है। साइंटिफिक डोर, आपने मूवीज में बहुत ही एडवांस लेवल के डोर्स देखे होंगे, लेकिन वो सभी कंप्यूटर द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन ये सपना भी जापान ने सच कर दिया है, जिसका नाम है ईटेफ ऑटोमेटिक डोर। ये दरवाजा इंफ्रारेड सेंसर की मदद से काम करता है। इस दरवाजे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो ऑनर की लिस्ट में है, और ये मनुष्य की शेप के डिजाइन में खुलता है। सुरक्षा को देखते हुए ये कीड़े मकोड़े और धूल मिट्टी को कम कर देता है। टॉयलेट सिंक, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए हमें पीने के पानी की कमी के साथ साथ धोने की पानी की भी कमी आने वाली है। इसको देखते हुए जापान ने नए तरीके का टॉयलेट बनाया है जो उसी पानी को दोबारा यूज करता है जो हम हाथ धोने में यूज कर, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। हीटेड कारपेट, ठंड में हमारे घर का फर्श इतना ठंडा हो जाता है कि पैर भी नहीं रखा जाता। इसके लिए हमें घर पर चप्पल या फिर सॉक्स पहननी पड़ती हैं। जापानी टेक्नोलॉजी ने इसका भी हल निकाल लिया है। उन्होंने ऐसा कारपेट बनाया है जो यूज करने में आसान और धोने में और भी आसान है। ये वाटरप्रूफ और स्टेन प्रूफ भी है, इसका मतलब कि कारपेट पर कोई दाग नहीं पड़ेगा। आप इसका टेम्परेचर भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। होम ड्राई क्लीनर मशीन, ये बिना पानी के कपड़े धोने वाली मशीन है, जिसमें पानी का यूज नहीं होता, बल्कि कपड़े धोने और उसके जर्म्स को मारने के लिए अलग तरह के केमिकल डाले जाते हैं जो बिना पानी के ही कपड़ों को साफ कर देती है। कीबोर्ड और ड्रम सेट, जापान ने नए तरीके का कीबोर्ड तैयार किया है जो देखने में ड्रम सेट जैसा है। ये कीबोर्ड गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम द्वारा बनाया गया है। कंपनी का कहना है कि ये गोल होने की वजह से यूज करने में दूसरों से आसान है, लेकिन इसका आविष्कार जापान में होने की वजह से अभी ये सिर्फ जापान में ही यूज होता है। टर्निंग ट्रेन सीट्स, कई बार क्या होता है कि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको उल्टी, चक्कर या फिर घबराहट जैसी प्रॉब्लम होती है, इसे मोशन सिकनेस कहते हैं। इससे बचने के लिए जापान ने ट्रेन में ऐसी सीट्स लगाई हैं जो घबराहट होने पर आप अपनी सीट्स को घुमा भी सकते हैं और इनको फोल्ड करके यात्रियों के खड़े होने के लिए जगह बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ नई टेक्नोलॉजी की चीजें। क्या आप भी ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें, नमस्कार।